आ चुकी है यहाँ पे। चल ना बताओ क्या बोल रहे हो। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। मैं सौरभ रावत, रावत ब्लॉग में आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं। तो आज सुबह उठना होगा 8:30 बजे और मैंने पूजा वूजा करके मैं हो चुका हूं रेडी। हमारी वाइफ भी, धर्मपत्नी जी, पिंकी जी भी रेडी हो चुकी हैं, एक गंजू भी रेडी हो चुकी हैं। आजकल इसको आप ब्लॉग में बहुत कम देख रहे होंगे, मैं ही ब्लॉग कंटिन्यू कर रहा हूँ। गाड़ी रेडी कर दी धुल के बढ़िया करके, सीख भी रहा आजकल, देख सकते हैं। बाय बाय, चलते हैं। तो गाइस गाड़ी हमने खड़ी कर दी, हम आ रखे थे आज मेरा कुछ टेस्ट करवाने के लिए। मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं लग रही मुझे, तो अंजू भी आ रखी है, तो आज कराऊंगा मैं अपना सारे टेस्ट कराऊंगा आज। तो देख सकते हैं अभी आ रखे हम रेस कोर्स रोड पे, अंजू भी आज लेने आ रखे हैं अंकल जी के पास। अंकल जी रियल जूस नहीं है? रियल जूस भी नहीं मिल रहा यहाँ पे, लिमका मैंगो दोनों दे दिए। देख सकते हैं हमने ये दोनों ली, दो चीज़ें ली पिंकी के लिए। अंजू को देखो, अंजू बातें कर रही है फोन में, ये दोनों खा ले, हम चाय पियेंगे और वो करेंगे। अरे अरे पिंकी कहाँ उठा रही तू, ये तेरा घर थोड़ी नहीं है, धुलने के लिए जा रही। अच्छा डस्टबिन पे, अरे वाह गुड मैनर्स। तो गाइज अभी हमने चाय वगैरह वगैरह पी ली, तो चलते हैं यहाँ से हम डॉक्टर के पास चलते हैं। बाबा तू पीते रहे, कोई नहीं साथ में लेके चल, पीते रहना फिर डॉक्टर आ जाएगा मुझे चेकअप करके। फटाफट साइड पे जाना है और देख सकते हैं यहाँ पे रेस कोर्स में अभी सुबह सुबह तड़कती धूप लग रही है। तो गाइस मैंने अपने पर्चे ले लिए, तो चलते हैं ऊपर। तो गाइस ऑटोमेटिक सेंसर वाला वो है, ये खुल गया, बंद कर लेंगे। 3% अलाउ, अगर एक और होता तो। तो तेरा क्या काम था मेरे साथ आने का बता दो, क्यों आए मेरे साथ? चेकअप मुझे करवाना था या तुझे करवाना था? इसको कराने चेकअप मुझे करवाना, तो क्यों आए मेरे साथ घूमने के लिए? गाइस अभी चलते हैं, खुद ही नहीं ग्राउंड में आ गई है, हमारे घर की। हाँ सही ना, ये थोड़ा सही है। तो यहाँ हो गया अंधेरा, एक बार अगर मैं लिफ्ट में फंसा था मज़ा आ गया था, आज भी अगर फंस जाएंगे तब मज़ा आएगा। तो सो गाइस बॉन्टियाल लैब, बॉन्टियाल लैब, ये अंजू है, ये हमारी फार्मासिस्ट साहब है। पिंकी बेचारी ऐसी पड़ी हुई है। तो गाइस हम लोग आज घूमने आए हैं, और घूमने पता है कहाँ है? हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल का फील ऐसा आ रहा है जैसे हमारा। तो गाइस हॉस्पिटल के आने के बाद मैं किसी काम से बाहर निकल गया था, तो ब्लॉग को कंटिन्यू कर नहीं कर पाया। तो लंच करने के बाद उसके बाद मैं डायरेक्टली साइट पर आ गया, साइट पर आने के बाद थोड़ा साइट का काम निपटा दिया। तो अभी थोड़ा काम वाम देखना था साइट पर, क्या क्या काम चल रहा है तो वो देख लिया। तो आज एक स्पेशल डे है आज, क्योंकि हमारे किसी नॉन में उनका बर्थडे है, तो आज शाम को वहाँ जाएंगे विद फैमिली। तो गाइस रास्ते में आते जाते समय इस हाईवे पे जो सहजदारा निकलता है अपना यहाँ से, तो यहाँ पे देख सकते हैं गायें ना काफ़ी है यहाँ पे, आपस में लड़ती रहती है। तो मेरे देखते देखते यहाँ पे ना 3 से 4 एक्सीडेंट हो चुके हैं। अब देख सकते हैं आप, अगर कोई गाड़ी इस साइड से अगर स्पीड में आ रही होगी सामने से, तो ये सांड था, इसने 2-3 गायों को मारा है। गाइस मुझे जाना है घर थोड़ा जल्दी, तो मैं लूँगा शॉर्टकट यहाँ पे, HIT दून, HIT कॉलेज है यहाँ पे। तो देख सकते हैं आप HIT कॉलेज की बिल्डिंग, तो ये पड़ता है अस्थल में। तो गाइस फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ घर, अब हम लोग होंगे रेडी। और पिंकी तीनों लोग रेडी हो रहे हैं, तो मैं भी हो जाता हूँ रेडी। तो गाइस मैं हो चुका हूँ रेडी, कार की कीस ले ली है, ये लोग भी अब रेडी होके अभी आएंगे, तो आगे ब्लॉग करेगी अंजू कंटिन्यू जैसा मैंने आपको बता दिया। तो मैं चलता हूँ सीधे गाड़ी पे। गाइस सोसाइटी में बच्चे कर रहे हैं यहाँ पे मजे, देख सकते हैं आप, ये बच्चे भी बड़े शैतान हो रहे हैं। ये गाड़ी कर दी मैंने स्टार्ट, तो चलते हैं हम, ये लोग आ रहे हैं ऊपर से। तो गाइस मैं और गौरव सबसे लेट में आए, और सबसे पहले जल्दी रेडी होके आ गए। लड़कियों का लफड़ा ना बहुत खराब रहता है, अभी तक नहीं आए ये लोग। गाइस देख सकते हैं पूरे 15 मिनट लेट आए लोग, 5 मिनट बोल गए, जूते हाथ में सारी चीजें। सो गाइस सब हम निकल चुके हैं सोसाइटी से। तो सो गाइस हम पहुंच गए पैसिंग मॉल पर, जाना नहीं है अभी, यूटर्न लेके हमको ऊपर जाना है। और अब वो फोन करना। तो फ्रेंड्स आज का लुक है ये, और अभी हम घूम रहे हैं अन्ना हजारे चौक पे।
अंकल हो चुके हैं कंफ्यूज कहाँ बनाना है नाम, तो नाम का मैंने बोला कि आप बीच में रख दो और सामने वेट कर रहे हैं भैया लोग और इस ट्रक ने डरा दिया हमें। तो भाभी कैसा आ रहा, मज़ा आ रहा आपको? हमारी दीदी भी लगा रही है कोल्ड ड्रिंक और ये हमारे जीजू हैं और तो ये हमारी डे ऑफ द क्या बोल रहे हैं, क्या है भाई आज? ओह माय गॉड, ये कान के झुमके कहाँ से लिए मैं? अरे कितने सिंपल लड़के सिंपल। किसने बोला? मैंने बोला सिंपल। रुक 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 रुक, एक मिनट, कहाँ जा रही तू अभी? कहीं नहीं, यहीं पे हूँ घर में। क्या है आज? कुछ नहीं, बर्थडे है मेरा। अच्छा, देखो मेरा आज का ये कौन यहाँ है? तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो जो प्रैंक हुआ भाई के साथ वो इसलिए हुआ कि भाई के सामने पानी रखा था और नींबू दे रहा अपनी शाली को तो उन्हें लगा जीजू नींबू पानी चाहिए। नींबू पानी पी लिया, उसने हुआ कुछ और काम है। कितनी मेरे तीन कितनी साले हैं पे शादी का? एक दो तीन तीन साले का भी नींबू से उतार रही है, नजर उतार रही है। हां वो भर ठीक होगा, ये मैंने ला एकदम तो केक हो गया है खराब। नहीं अभी दूसरा है गाइस, आप लोग देख सकते हो के बैठी। क्या तो केक वेस्ट नहीं जाएगा आपका, पी ली। तो ये मेरी हो गया ओपनिंग, ये परसों भी तो यही था। मेरी पसंद केक है पर वेस्ट ना हो रहा है। तो ये बर्थडे का डेकोर कर रखा है, अच्छा है। बाकी दो चार गौरव भाई शर्म आ रही है साली। ये देखो शर्म दिख रही, नाक पे दिख रही शर्म पूरी, देखो जरा ये पूरी दिख रही। इसका केक है सामने, पता नहीं किसने इसे लाया है। और व्हाइट वाला ज्यादा अच्छा लगेगा। तो गाइस अभी आ गया है, नया का बर्थडे हो चुका है, पूरा सेलिब्रेशन वगैरह सारी चीज़ें हो चुकी है। ये मदर मां कर रही है अपने में, क्या बोलते हैं, फोटोज खींचनी है इनकी। अरे अच्छे से, सालियां बड़ी मुश्किल से साथ मिल रही है ना, ये बर्थडे गिफ्ट है नहीं हागा। तो सो गाइस ये है नींबू और हमारी सालियां काली हो गई है। सालियां आजकल काली हो गई है, तबीयत हो चुकी है खराब आज बहुत ज्यादा। किसी किसी को बुखार आ रहा है, किसी को सरदर्द होता ही नहीं होता। अरे साला के यार स्पेशल रिक्वायरमेंट है, रूम का करना चाहिए। मजा बताने के लिए सोच में लगी है ये नींबू घर से ही आया है। अरे ढंग से भाई, ढंग से ऐसे उतर चुकी है नजर। और हमारी साली सुन तो ले भैया, नजर उतारने से ये गोरी लगने लग गई थी ना। तो हमारी दीदी की नजर नहीं उतारी, इस जीजे ने वो कर ली। क्या कर रहा भैया? नहीं सब जो वाला जिसमें दूसरा और एक आज आ रखा हूँ मैं ससुराल में।
आई थिंक तीन तीन सालियाँ हैं, एक जेठो जी है, बड़े भाई है, मतलब बोले तो पिंकी के बहन के हस्बैंड है यहाँ पे। तो मतलब मुझे शर्म आ रही है, थोड़ा काफ़ी शर्म आ रही है, देख सकते शर्म के मारे में थोड़ा सुस्त हो रखा हूँ। गाइस बालक खरा खाना इधर ही गाली। तो सो गाइस अब शादी में गिफ्ट हम अकाउंट में देते हैं, ऐसे नहीं बोले। तो गाइस इन दोनों ने ना, इन लोगों ने ना गिफ्ट नहीं लाया, ये ना ये बहुत मतलब बोले तो बहुत कंजूस लड़की है ये वाली। गाइस यहां पे मेरी बहन और सानी में झड़प। बोल बोल बहन की पीड़ा लग गई इसे, इसलिए बोल दी है अब ना, ये बहन की पीड़ा लग गई अब। अच्छा 50 रुपए दो पजामे और 50 रुपए में एक लान दो पजामे भैया मेरे पास भूल ही नहीं है वो फ्री में ले गई, फ्री में लाया वैसे ने ना। हाँ सोच ले, देख सकते 50 तोला ना गले में पहनने वाले औरत बोल रही फ्री में दे दो। गाइस अभी भी है ना शादी की बात चल रही, कितने पैसे किसने किसी को दिए देख सकते हैं लोग ना, वही बात कर रहे हैं कि तुमने दिए 200 रुपए 400 रुपए। हाँ तो सारी बोल रही है घाटे में रखा हुआ था। हाँ ये देख सकते हो शादी शादी हो चुकी है अब तो। आज का ब्लॉग कल का ब्लॉग परसों, तो सो गाइस कल दिखेगा परसों दिखेगा आपको मैडम के योगा वाला, देखना इस टाइम ये तो खुद फिट है, मेरे लिए है योगा स्पेशली, देख सकते हैं मेरा पेट मेरे लिए योगा, जब मैं फिट हूँ ना तो समझना कि इसका योगा काम का है। तो सो गाइस आज शादी में दिख रहा हूँ ना हमारा, सारे में बड़े फोर्स कर रहे हैं यहीं रह लो, पर रहने का मूड नहीं। बाय 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 बाय। गौरव यहीं रहने के विचार में सालों के साथ आज लग रहा है मुझे ऐसी। हाँ तो ओके बाय बाय। सो गाइस हम निकल चुके हैं घर के लिए। गाइस अभी रात बज चुके हैं 12, हमारा लेट में आना हुआ, तो अभी पी रहे हैं हम जूस, अनार जूस। मैंने बोला था मैंने पीना तो गाइस बहुत कड़वा हो रहा है। गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं घर, गाड़ी हमने पार्क कर दी। आई होप आज का ब्लॉग आपको काफ़ी पसंद आया होगा, बर्थडे का सालिम के साथ काफ़ी हंसी मजाक की है आज। तो अब पहुँच चुके हम घर, तो ओके भाई मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको इससे पहले हमारे ट्रैवल वाले ब्लॉग काफ़ी अच्छे पसंद आ रहे होंगे, तो लगता है काफ़ी अच्छा प्यार मिल रहा है। अभी जो गौरव वाला ब्लॉग भी किया था वो काफ़ी अच्छा जा रहा है, तो दिल से ये आ रहा है कि हाँ और अच्छे ब्लॉग बनाऊँ।